नमस्कार, मैं विकास शर्मा, फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे किसान भाइयों, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरे इन वीडियो को लाइक करें और भारत के सभी किसानों से इन वीडियो को शेयर करें, साथ के अंदर सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल घंटी है उसको आप जरूर दबाएं। तो मेरे किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भूमि एसिड कैसे बनाते हैं, वो भी जैविक तरीके से। और भूमि एसिड के साथ साथ हम भूमि एसिड घोल के अंदर विटामिन और अन्य विटामिन कैसे ऐड करते हैं वो भी बताने जा रहा हूँ। और बहुत ही अच्छा ये जो हम बढ़ा रहे हैं, जिस विधि से ये भूमि एसिड बहुत ही अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहले मैं ये आप देख रहे हो, ये पानी का ड्रम है, आप ये देख रहे हो। तो ये आप पूरा ड्रम नहीं बनना है, इतना पानी रखना आपको, देख लो ये इतना पानी बनना है, ये पानी देख रहे हो, तो आपको इतना पानी बनना है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, ये सबसे पहले इस पानी के ड्रम के अंदर जो लोटा का गुड़ आता है, काला गुड़, तो हमने पहले ही इसमें गोल बना के डाल दिया है 5 किलो। तो ये पूरा ड्रम आपको पानी का भरना नहीं है, आपको पानी का ड्रम थोड़ा बहुत खाली छोड़ना है। और उस ड्रम के अंदर सबसे पहले आप 5 किलो काला गुड़ होता है जानवरों का, तो उसका घोल बना के आप इसके अंदर डाल दो। तो ये देखो, ये पानी पूरा काला हो गया है और इसमें गुड़ की मात्रा हमने दे दी है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो कंडे होते हैं, छाने इसको बोलते हैं, ये छाने, तो हम एक जो गाय का गोबर का जो छाने होते हैं, ये छाने करीब 12 महीने से 2 साल 1.5 साल पुराने होने चाहिए, और 6 महीने भी पुराने चल जाएंगे। पर जितने पुराने ये छाने होंगे उतने ही बढ़िया ये भूमि एसिड बनेगा। तो हमने ये छाने डाल दिए, इसके अंदर छाने डाला, ये डाल दिए छाने, इसको हम कंडे भी बोलते हैं और छाने भी बोलते हैं, इसको अच्छी तरह भिगो देंगे। तो एक ड्रम के अंदर और देना, तो ये हमने डाल दिए एक ड्रम के अंदर 10 केजी छाने, इसको अपन गाय के कंडे बोलते हैं, सूखे हुए थपड़ी बोलते हैं राजस्थानी भाषा के अंदर। तो छाने डालने के बाद में ये ऐसे भीग जाएंगे, देखो आप, ये ऐसे छाने भीग जाएंगे। और ऐसे भिगोने के बाद के अंदर हम क्या करेंगे, सड़े हुए केले लेंगे। तो हमने 5 किलो लोटा का गुड़, जो काला गुड़ आता है वो डाल दिया, 10 किलो इसमें कंडे डाल दिए गाय के गोबर के, और 1 केजी हमने ये केले हैं सड़े हुए, ये केले डाल दिए 1 केजी। केले को हाथ से ऐसे मसलना है आपको, अब केले डालने के बाद में हम लेंगे 2 केजी जो काला तिल आता है। तो ये काला तिल बहुत ही विटामिन से भरा है और बहुत ही खेत के लिए उपजाऊ रहता है, तो हम 2 किलो काला तिल का मिक्सिंग की सहायता से इसको पीस लेंगे, और 2 केजी काला तिल का हम इसके अंदर, ये 2 केजी काला तिल हमने डाल दिया। अब काला तिल डालने के बाद में इसमें आइडिया से, ये खाली थोड़ा ज्यादा है, 5 किलो है, इसमें 2 किलो सरसों की खली, जो सरसों का खल बोलते हैं हम जानवरों को खिलाते हैं, तो 2 केजी ये सरसों का इसमें हमने खल डाल दिया। अब सरसों का ये हमने खल डाल दिया, तो इसको हाथ से हिलाना है, ऐसे हाथ से हिलाने के बाद में हम इसके अंदर 2 केजी
दो किलो बिल है, बिल पत्र आते हैं जब प्रोड्यूस पीते हैं, तो बिल को ईमानदारता की सहायता से कूट के हम ये बिल अटैच कर दिए इसके अंदर। तो हमने ये बिल डाल दिया है, और बिल डालने के बाद इसके अंदर इसमें 2 kg हम डालेंगे मक्का का आटा, बेसन और जो गेहूं का आटा, ये इसमें मिक्स है, तो 2 kg ये डाल देंगे। इसमें आ गया 2 kg के अंदर मक्का का आटा, बेसन और गेहूं का आटा 2 kg, तीनों को मिक्स करा के 2 kg हो जाने चाहिए। तो ये 2 kg हमने ये डाल दिया। अब 2 kg ये डालने के बाद में हाथ की सहायता से इसको हिलाओ, हिलाने के बाद के अंदर हम डालेंगे इसके अंदर ढाई सौ ग्राम सेंधा नमक, इसमें डाल देंगे 250 ग्राम सेंधा नमक डाल दिया इसके अंदर, सादा नमक बिल्कुल नहीं डालेंगे, सेंधा नमक डालेंगे 250 ग्राम। सेंधा नमक डालने के बाद के अंदर इसमें हम डालेंगे बाबा ऑर्गेनिक की 2 pp, तो बाबा ऑर्गेनिक की ये 2 लीटर की पीपी आती है, तो ये बाबा ऑर्गेनिक डाल दिया हमने। ये बाबा ऑर्गेनिक डीकम्पोस्ट कर देगा इसको, बना के गला देगा जल्दी, और इसमें जीवाणु छोड़ देगा, और बहुत ही बढ़िया ये भूमि एसिड बनेगी, साथ के अंदर भरपूर विटामिन और प्राकृतिक एसिड बनेगी। तो 1 pp ये डाल दी हमने, और 1 pp ये डाल, ये बाबा ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक क्या काम करता है, इसमें जितनी भी सामग्री डाली है इसको डीकम्पोस्ट कर देगा, इसको डीकम्पोस्ट कर देगा, इसको सड़ा देगा, गला देगा, और इसके अंदर जीवाणु की मात्रा भरपूर जीवाणु छोड़ देगा, तो इसमें भूमि एसिड बनेगा, भूमि एसिड के साथ में बहुत से विटामिन और बहुत से जो भी है भूमि तत्व जो इसमें अटैच हो जाएंगे भूमि एसिड के साथ साथ में। तो आप कभी भी ये भूमि एसिड बनाए, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से आप भूमि एसिड बनाए, भूमि एसिड के साथ साथ बहुत से विटामिन और कई पोषक तत्व है पौधे के लिए, वो इसमें अटैच हो जाएंगे, और ये आपका भूमि एसिड, इसको क्या करना है, पानी से पूरा भर देना है, जो खाली रह गया है उसको पानी से पूरा भर देना है, और अगर आपके पास गौमूत्र मिल जाए तो इसके अंदर 2 लीटर आप गौमूत्र भी डाल सकते हो इसके अंदर, गौमूत्र मेरे पास अभी है नहीं, इसमें बाद में डाल दूंगा। फिर करना क्या है अपने को, कपड़े की सहायता इसका मुंह बंद करके और छांव में रखना है, और 7 दिन के अंतराल ये आपका भूमि एसिड तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें, जो बगल में जो बेल घंटी है उसको आप जरूर दबाएं, और आपके पास मेरे नए नए वीडियो आसानी से पोस्ट करेंगे। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।